और अभी सुबह के 5:20 हो गया। और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि यहाँ पे पास में अराउंड 60 किलोमीटर्स पे एक नंदी हिल नाम की जगह है, और वहाँ पे जाने का अभी प्लान है, क्योंकि सुबह सुबह वहाँ पे अच्छी वाइब होती है, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होता है। वैसे तो आजकल गर्मी चली रही है, तो थोड़ा ठंडा मौसम देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा पहाड़िया वगैरह, थोड़े से हेयर पिन कट्स हैं, और थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। अराउंड 8 हेयर पिन है और बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। सो आज वहाँ पे चलते हैं। सो विद दिस आई एम शान, वेलकम टू माई लाइफ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आई बी फिल्म्स। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग, एक चीज़ दिखाता हूँ अभी। ये सामने वाली बिल्डिंग देखो, ऊपर देखो, उसके देखो क्या चल रहा है ऊपर। ये देखो पिंक हो गया अब, ये देखो अब नाइट वाइब्स ब्रो। अरे बिल्डिंग कितनी प्यारी लग रही है, ने बहुत चंगी लगती है। ओहो माय गॉड 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 गॉड। तो भाई घुमा दिया था इसने तो पूरी चक्री से, अभी गाड़ी वाले को उड़ा देता। पहली बार बैंगलोर में इतना कम ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, और 5 बजे भी आप देख सकते हो, मतलब फिर भी काफ़ी है। 5 बजे भी इतना कम, इतना हवा रहे वहाँ पे भी नहीं होता। 5 बजे तो कोई भी नहीं होता, और यहाँ पे फिर भी चल रहे हैं लोग। भाई अब मैं थोड़ी सी दूर आ गया हूँ, अब यहाँ पे मेरे को ठंड लगने लगी है, और मैं सिर्फ एक टी शर्ट डाल के आ गया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डाला मैं। सोचा आज थोड़ी, वैसे इतने दिनों से गर्मी लग रही है, आज थोड़ी थोड़ी ठंड लगेगी, पर मुझे ये नहीं पता था कि अभी इतनी ठंड लगनी लगेगी। ऊपर जब माउंटेन क्लाइंब करूँगा तो उसके बाद तो भाई वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। नंदी हिल्स के रास्ते में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि बहुत सारे राइडर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आज तो फिर भी वीकेंड नहीं है, एक हाथ से चला रहा हूँ और एक हाथ अपने आगे ना यूँ रख रखा है मैंने, यूँ बहुत देर से आगे खुद को कवर कर रहा है एक हाथ से कि मेरे हवा ना लगे। सही में बहुत तेज हवा लग रही है ठंडी। यहाँ से अब 8 किलोमीटर की माउंटेन राइड है, सिंगल पर्सन 50। मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मेरा यहाँ पे बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा था, बहुत बुरा। हमने एक रेंटल कार ली थी स्विफ्ट डिज़ायर, और उसके ऑटोमेटिक थी, और उसके यहाँ पे ना गियर शिफ्ट नहीं हो रहे थे, और यहाँ पे पूरी ट्रैफिक, पूरा लाइन थी बहुत लंबी, मतलब इतनी सी भी आगे जाने की जगह नहीं थी, और उसके गियर शिफ्टिंग नहीं हो रहे थे, वो सेकंड गियर पे ही अटक जाती थी। अब रास्ता ऐसा था स्टीप, हेयर पिन कट्स, तो कैसे कर लें। तो भाई जो मेरी घबराहट हुई थी, बहुत ही बुरा हाल हो गया था यहाँ पर। एंट्रेंस गेट इज हेयर, बाइक कहाँ पे लगानी है, आगे पार्किंग है। हाँ याद आ गया। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम नंदी हिल, यू सी बिहाइंड मी, लुक। ये क्लाउड्स अभी आ रहे हैं, ध्यान से देखो तो आपको चलते हुए दिख रहे होंगे। अभी तक यहाँ पे बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं थे, अब देखो सारे क्लाउड्स नीचे हो गए हैं। क्लाउड्स देखो कैसे आ रहे हैं, ये देखो दिख रहे हैं, देखो कैसे ऊपर हमारे बिल्कुल यहीं पे आ रहे हैं। लुक, अभी देखो पूरी विजिबिलिटी थी, और अब देखो कैसा हो गया यहाँ पे।
अब देखो अब विजिबिलिटी ज़्यादा है सुबह के अकॉर्डिंग, और अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी तो मैं काफ़ी नीचे उतर आया हूँ। 10:40 हो गए हैं कि मेरे को जा रही यहाँ पे बैंगलोर में DJI के सर्विस सेंटर पे अपना DJI का कैमरा दिखाने, और क्योंकि और तो कहीं पे सर्विस सेंटर है नहीं, और मेरे को यहाँ पे बैंगलोर में एक सर्विस सेंटर मिला है, मेरी वहाँ पे बात हुई है, मैंने उनको कॉल करी है तो उन्होंने मेरे को कहा है कि आप आ सकते हो यहाँ पे और चेक करा सकते हो। यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर्स के अराउंड सर्विस सेंटर है और 45 मिनट्स का रास्ता है। अपनी दिल्ली में है RKpuram और यहाँ पे है KRpuram, और यहाँ से बैंगलोर सिटी है सीधा। मैं अभी सिटी के थोड़ा सा बाहर रह रहा हूँ और अंदर अब आज सिटी में जा रहा हूँ वापस। लुक एट द ट्रैफिक ड्यूड इन बैंगलोर, सो मच ट्रैफिक एंड इट्स सो हॉट। अभी तो मैं फुल टैनिंग पे चल रहा हूँ, साउथ इंडिया में फुल टैन होके नॉर्थ इंडिया जाऊँगा, टैनिंग हटाऊँगा बर्फ में। साइड में कुछ ये जाल सा लगा हुआ है, आई डोंट नो। अच्छा पीछे पूरा वो ओहो गोल्फ गोल्फ का ग्राउंड है पूरा, तभी के बॉल इधर ना आ जाए। ओके मुझे लगा यार ये जाल क्यों लगा, कौन से पक्षी रोकने के लिए। फिर मैंने अब राइट में देखा है तो राइट में गोल्फ का ग्राउंड है पूरा बैंगलोर का। यहाँ पे भी अपना गुड़गांव की तरह MG रोड है सामने, और विधानसभा अपने दिल्ली में यहाँ पे विधानसौधा। आप ये सोच रहे होंगे क्या यार बैंगलोर को दिल्ली से कंपेयर कर रहा है, तो यार हम नॉर्थ वाले हैं तो वहाँ पे ज़्यादा घूमे हैं, तो फिर थोड़ी वो चीज़ें जो सिमिलर सी लगती हैं वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पे तो सारा ही रिपेयरिंग वगैरह सारी इसी चीज़ों का ही है, सारी दुकानें लैपटॉप वगैरह। ओ भाई साहब DJI कहाँ है, DJI कॉल कर लेता हूँ। माता कैमरा सर्विस, मैं नीचे खड़ा हूँ, ये कावेरी लैपटॉप IT जै क्या। और सर भारतीय IT वर्ल्ड कंप्यूटर हब, RK लैपटॉप सर्विस, बैंगलोर इलेक्ट्रॉनिक्स। कितना 10 दुकान, किस नाम से आपकी दुकान। माता कैमरा, अंकित इन्फोटेक के सामने। DJI के केयर पे भी बात नहीं बनी यार, वहाँ पे भी वो कह रहे थे कि अभी तो एक हफ्ता 15 दिन भी लग सकते हैं, वो पे एक बार चेक करेंगे। उसके बाद बैटरी का तो इशू तो था ही, तो वो मैंने उनसे पूछा बैटरी का कितने दिनों में आएगी अगर आपके पास अभी नहीं है तो। उन्होंने कहा हमारे पास स्टॉक तो अवेलेबल नहीं है बैटरी का, बट आई होप, वो कह रहे थे कि अराउंड 5 दिन के आसपास लगेंगे बैटरी आने में। तो मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं, मैं इतने दिन बैंगलोर में नहीं हूँ, तो भाई वापस आना पड़ा। और ये क्या है, गवर्नमेंट वर्क इज गॉड्स वर्क। एक और चीज़ मैंने अभी देखी है कि यहाँ वाले जहाँ पे मैंने सर्विस कराई है, इन्होंने एक मेरे यहाँ पे स्लिप लगा दी है कि अगली सर्विस इतने किलोमीटर पे है और यहाँ पे इतने टाइम पे होनी है। ये अच्छी चीज़ है, ये तो हमारे रेवाड़ी वालों को भी करना चाहिए ये। हाँ लुक दिस Ducati मॉन्स्टर। आज थोड़ी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी क्योंकि रात को लेट सोए थे और सुबह जल्दी उठ के मैं चला गया था। तो अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी हमने टिकट बुक कर ली है RRR की, और RRR देखने जा रहे हैं, और 5:57 हो गया, बस निकल रहे हैं। 6:10 का हमारा शो है और यहाँ से जाना है, तो फटाफट से पहले निकलते हैं। अभी का ये जो प्लान हुआ ना बिल्कुल सडनली प्लान हो गया, कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था। 10 मिनट पहले आके इसने टिकट बुक करी है और अब हम आ गए हैं PVR में और अब मूवी का एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। Thank you.
10:19 हो गए और हम थिएटर से आ गए। और क्या मूवी थी, बहुत ही जबरदस्त, मजा आ गया मूवी देख के। तो 3D की टिकट अवेलेबल नहीं थी तो हमने 2D में देखी, बट 2D में हमें इतना मजा आया, तो 3D में सोचो कितना मजा आया होगा। बट 3D में ज्यादा मजा आएगा क्योंकि तीर आ रहे थे। तो वही तो कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो 3D में देखना जरूर अगर देखनी हो तो। चलो अभी हम खाना खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, हमारा डिनर आने वाला है, उसी का वेट चल रहा है, और उसके बाद सो जाएंगे। वी हैव कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, पिकल, कर्ज, राइस एंड चपाती इन डिनर।